अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको और मुझे अपने हिस्से मान में रखे। और यहाँ पे जी 3:15 बजे का टाइम है दोपहर से। तो आज कौन आ रहा है? आज आ रही हैं मेरी अम्मी और मेरी सिस्टर। और क्योंकि उससे मैंने आपको बताया था कि बर्थडे हमने जो है वो कर ली थी, लेकिन वो लोग नहीं आ सकते थे, तो जिसकी वजह से फिर उन्होंने कहा कि हम आएंगे। तो हम फूड जो है, क्योंकि वो मेरे बेटे के साथ काफ़ी उनके अटैचमेंट है, तो फिर मेरे बेटे के भी एग्जाम तो हो रहे थे, तो फिर उसके लिए मैंने भी उनको ज़्यादा फोर्स नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि हम संडे को आएँगे, तो सैटरडे को तो मतलब आना जाना ही करना था, क्योंकि वो आपको पता है कि हर कोई अपने अपने घरों में बिजी है, कोई जॉब के सिलसिले में, तो बच्चे भाई जो हैं वो मेरे जॉब के लिए जाते हैं, फ्री नहीं होते घर पे, नहीं होते। वो भी जो मेरे अबू हैं वो भी जॉब करते हैं, तो मेरी भी जॉब करती है, एक सिस्टर मेरी मैरिड है, तो इसलिए फिर ज़रा ना मुश्किल हो रहा था। छोटी सिस्टर है वो मैरिड है, उसकी बेटी के भी एग्जाम तो हो रहे थे, तो माशाल्लाह से मेरे बेटे को तो बस एक पेपर रह गया मंडे का, तो उसके पास वो माशाल्लाह से हो जाएगा फ्री। तो अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ ये मटर वाले चावल, मटर पुलाव बना रही हूँ। तो इसका मैं मसाला, क्योंकि मैं कर रही हूँ कि जो बड़ा बड़ा काम है ना वो जल्दी जल्दी हो जाए। तो ये देखिए मैं बना रही हूँ मुगलाई चिकन। तो चिकन को पहले मैंने मैरिनेट किया था, उसके बाद मैंने फिर प्याज को फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद प्याज को चिकन जो मैरिनेट हुआ हुआ था वो मैंने कढ़ाई में ऐड कर दिया। तब ये पकेगा अपने पानी में, इसमें पानी डालने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब इसमें मैंने सूरज मिर्च नहीं डाली थी, वो मैं अभी डालूँगी। जब ये सारा पानी छोड़ देगा तो फिर सूरज मिर्च डाल के इसको मिक्स करके तो दम पर रख दूँगी, और हल्की हल्की आँच पे ये खुद ही पकता रहेगा। तो एंड पे फिर मैं इसको कोयले का दम दे दूँगी। और मैंने बनाए हैं जी आलू चने बनाए हैं, दही बल्ले बनाए हैं। दही बल्ले अभी नहीं, अभी दही में उगाने लगी है, तो ये आपको दिखाऊं कि जो दही बल्लों का जो सामान है वो यहाँ पर मैं उगा चुकी हूँ। तो ये देखें जी मटर, तो ये मैं चावल में ऐड करूँगी। आलू चने भी बन चुके हैं, बस मैं जल्दी जल्दी से कर रही हूँ रेडी। तो फिर रेडी करके तो आपसे बात करते हैं। और अभी मैंने खुद भी चेंज करना है, तो
फिर मैं ज़रा ये जल्दी से ज़रा जो काम है बर्तन वगैरह निकालने वाला वो करके तो फिर मैं आपसे बात करूँगी, फाइनल करके सब कुछ फिर बात करती हूँ। अच्छा जी, इसमें मैं अब मटर भी ऐड कर चुकी हूँ और मैंने साथ में डाला है थोड़ा सा, मैं इसमें अचार जो है वो लाजमी ऐड करती हूँ। तो आप लोग भी ज़रूर करके देखिएगा, इसका बहुत अच्छा टेस्ट फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आता है। तो बस ये अभी थोड़ा सा पक जाएंगे, अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा, इसको भून के तो उसमें पानी डाल दूँगी। तो मैं खुद भी अब इतनी थक गई हूँ सुबह से, मैं तकरीबन 8 बजे उठी थी, 8:30 का टाइम था, तो तब से क्लीनिंग कर रही थी, बर्ड वगैरह सेट किए रूम के, फिर घर को क्लीन किया, तो तब से अब तक मैं मसलसल एक टांग से ही खड़े होकर काम कर रही हूँ। साथ में मेरी जो है वो हेल्प मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे तो भी आपको पता छोटे हैं, क्लीनिंग में मेरा बेटा भी हेल्प कर देता है। तो हेल्प इसलिए करते हैं कि मैं अकेली जो मैं मैनेज नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे बैक पेन का इशू है काफ़ी, जिसकी वजह से मैं नहीं कर सकती, इसलिए मुझे फिर किसी ना किसी की हेल्प चाहिए होती। और मैंने आपको बताया था कि काम वाली जो हैं वो एक तो मिलती हैं, दूसरा उनका काम जो है वो पसंद नहीं आता, इसीलिए फिर खुद ही बस कभी कभार मुझे ज़्यादा इशू हो जाता है तो फिर हेल्प हो जाती है, तो इसलिए तो मुझे ज़्यादा फील नहीं होता। फिर मुझे फील हो जाएंगे, अब मैं दही भल्ले के लिए मंगवाऊँगी, ये भी पक रहा है, ये देख सकते हैं आप। तो अब मैंने कौन सा ड्रेस पहनना है, मैं पहनूंगी प्योर का, तो लीलन का तो नहीं, वो भी स्टिच होके नहीं आया, तो जो सूट मैंने दिया हुआ था स्टिच होने के लिए वो तो अभी नहीं आया, तो मैं वही पहनूंगी। और बस तो एक छोटा सा गेट टुगेदर करना है, मेरे बैठ के सब खाना खा लेंगे, तो आपको पता है मज़ा आ जाता है मेरे के बैठे और उदासी भी ख़त्म हो जाती है। कभी वो लोग नहीं आए तो आएंगे, मैं सिखा तो नहीं सकूँगी, लेकिन ये है कि खाना खाते हुए ऐसे थोड़ा सा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। तो सरप्राइज था आप लोगों के लिए, कौन आ रहा था वो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें मैं जी पानी ऐड कर दूँगी, पानी जब बॉयल होने लगेगा उसके बाद मैं डालूँगी इसमें चावल। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर तक, फ्रेश हो जाए और चेंज वगैरह कर फिर मैं बात करती हूँ। इंजेक्शन लगा के फिर उन्होंने बताया कि दादा तक का बात आ गया। अच्छा यार तेरी
¿Qué?